Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Jesus, we bless you. Jesus, we praise you. Jesus, we magnify you. Jesus, we glorify you. Jesus, we exalt you. Jesus, we give you praise. Hallelujah. <coughs> Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, King of Glory. Thank you King of Glory Thank you King of Glory Thank you King of Glory Hmm <sniffs> Thank you King of Glory Thank you King of Glory Thank you, King of Glory. Hallelujah. <coughs> thank you, King of Glory. Thank you, King of Glory. Thank you, thank you, Jesus. <coughs> thank you, King of Glory. Bless your name, Lord. Bless your name. Hallelujah. 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 Lord, we bless you. Praise you. Hallelujah. यीशु मसीह आपके लहू की जय हो यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की जय यीशु मसीह आपके पवित्र लहू की जय हो यीशु मसीह आपका धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह आपके जलाली नाम की महिमा हो यीशु मसीह आपकी स्तुति हो यीशु मसीह आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, तुति हो, तुति हो, तुति हो, तुति हो यशु मसीह आपका धन्यवाद हो धन्यवाद हो आपके नाम की महिमा हो यीशु मसीह यीशु मसीह हम आपकी स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं स्तुति करते हैं यीशु मसीह आपकी महिमा करते हैं हाल लोहिया मसीह आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं हाल लोहिया आज की सुबह हम आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह हम आपके जलाली नाम को ऊंचा करते हैं हाल लूया ये लिफ्ट अप योर नेम लोड लिफ्ट अप योर नेम लोड हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह आपकी महिमा हो महिमा हो यीशु मसीह जी आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति हो लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम वी एक्स यू एग्ज यू एक्स यू वी प्रेज यू जीसस ऑफ नैजरथ वी ब्लेस योर नेम ब्लेस योर नेम ब्लेस योर नेम ब्लेस योर नेम लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम ब्लेस योर नेम लॉर्ड वी प्रेज यू हालेलुया वी एग्जॉल यू जीसस <coughs> Jesus of Nazareth, we lift up your name. Jesus of Nazareth, we lift up your name. Jesus of Nazareth, we lift up your name. Jesus of Nazareth, we lift up your holy name. Lift up your holy name. Lift up your holy name. Jesus, King of Glory, we exalt you. Jesus, King of Glory, we exalt you. <coughs> mm. Hallelujah. Thank you, Jesus. हरे लो प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुबह प्रभु जी आपने जीवितों की धरती पे हमें रखा है प्रभु जी प्रति भोर आपकी करुणा नहीं होती है प्रभु आपके नाम को हम महिमा देते हैं प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी हर एक आशीष के लिए जो आपने हमें दी खुदावन प्रभु हम कुछ भी ग्रेंटेड नहीं लेते बल्कि हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक आशीष के लिए प्रत्येक बरकत के लिए प्रभु जी प्रत्येक आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं आज के दिन प्रभु जी प्रभु हम अपने जीवन आपके चरणों पर रखते हैं प्रभु हम आप, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी आप बढ़ें और हम घटे प्रभु जी हम अपने आप का इनकार करते हैं आज की सुबह प्रभु हम सखरे पथ पे चलते हैं और प्रभु हम तंग द्वार से प्रवेश करते हैं क्योंकि प्रभु सकरापथ अनंत जीवन है सकरापथ ही सुसमाचार है हालेलुया सच्चा सुसमाचार सकरापथ सच्चा सुसमाचार अपने आप का इनकार सच्चा सुसमाचार क्रूस को उठाना हम्म प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हम महिमा करते हैं प्रभु हम स्तुति करते हैं प्रभु जी आपका नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो यीशु मसीह जी आपका नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो आज की सुबह हम अपने जीवन आपके चरणों पर रखते हैं प्रभु जितने आपके बेटे बेटियां इस समय प्रभु जी ऑनलाइन हैं इन्हें इनके परिवार इनके घरानों को मैं आज की सुबह आपके हजूर में लेके आता हूँ अपना प्रभु जी दाहिना हाथ बढ़ाएं और इनमें से एक एक को छूए प्रभु यीशु मसीह हालेलुया प्रभु हम आपके वचन को और गहराई से जानना चाहते हैं प्रभु जी ताकि हम आपकी पहचान में बढ़ें आपकी नज़दीकी में बढ़ें खुदावंद खुदावंद जी हम पे दया कीजिए अपने वचनों को खोलिए प्रभु जी अपनी आत्मा का प्रकाश हमारे हृदय में डालिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं आमीन एक्सक्यूज मी लुया मैं आपको परमेश्वर के वचन में से हाल लुया <laughs> परमेश्वर के जीवित वचन में से हम्म कुछ बातें बताना चाहता हूं बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा बहुत सारे मसीह लोग जब तक परमेश्वर के वचन की सच्ची शिक्षा को नहीं जानेंगे तब तक आप अंधेरे में रहोगे और शैतान हमेशा अंधेरे में जकड़ के रखने वाला है अंधेरे के अंदर जंजीरों में जकड़ के रखता है अब सुनिएगा ध्यान से मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि क्या नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग क्या उन पे बदरुए और दुष्ट आत्माओं का असर होता है या नहीं अब देखिए बहुत सारे लोगों की ये विचारधारा है कि बहुत सारे लोगों की यह विचारधारा है अरे नहीं 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 हम तो नया जन्म पाए हैं हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है हमारे ऊपर तो यीशु मसीह का लहू लगा शैतान हमें छू नहीं सकता तो मैं बताना चाहता हूं वचन में से क्या ऐसी धारणा सही है फेथ और प्रिजम्पन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है तो सबसे पहले मैं आपको वचन देना चाहता हूं दूसरा कुरिंथियों की पत्री, उसका चार अध्याय उसका तीन और वचन। चार वचन सुनिएगा दूसरा चार अध्याय तीन और चार वचन प्रेरित पलूस यहां पे की कलिसिया को लिख रहा है कि अगर हमारा सुसमाचार किसी से छिपा है सुसमाचार प्रकट है लेकिन संसार में एक ऐसा हिस्सा है दुनिया का जिससे सुसमाचार छिपा हुआ है तो प्रेरित पुलूस क्या कहता है इफ अवर गॉस्पल इज हिड इट इज हिडन फ्रॉम देम दैट आर लॉस्ट ये उनसे छिपा है जो खो चुके हैं ग्रीक वर्ड है एपोलोमाए एपोलोमाए जो खो चुके हैं उनसे सुसमाचार छिपा उनकी आंख पे पर्दा पड़ा हुआ है आगे क्या लिखा है इन होम गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया का ईश्वर इस दुनिया का संसा जगत का स्वामी नहीं बल्कि इस दुनिया का ईश्वर वर्ल्ड के लिए द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड ये स्मॉल जी वाला गॉड है God of this world, के लिए ग्रीक वर्ड है ए ये दुनिया का जो सिस्टम है इस दुनिया का जो सियासी सिस्टम है इस दुनिया का जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम है इस दुनिया का जो रिलीजियस सिस्टम है इस दुनिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है इस दुनिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है मार्केटिंग बिजनेस इस दुनिया के जितने निज़ाम हैं उन सब के ऊपर कब्जा है शैतान का और वो उनके ऊपर राज्य कर रहा है और उसने क्या किया हैज़ ब्लाइंड देयर माइंड लोगों के मनों को अंधा किया है ब्लाइंडर हैं, ब्लाइंडर समझते हैं आप बड़ी बड़ी चदरें डाल दी हैं किसकी अंधेरे की कहां पे मनो में माइंड में अविश्वासियों के मनो में यूनानी वर्ड है नोमा नोमा जिसका असली मतलब है थॉट्स ख्याल विचार कल्पनाएं जो अंदर विचार ख्याल चलते हैं उन विचारों के अंदर ख्यालों के अंदर इमेजिनेशन के, के अंदर इंटेलेक्ट के अंदर बुद्धि के अंदर रीजनिंग के अंदर शैतान ने अंधेरे का पर्दा डाला हुआ है उनके जो अविश्वासी हैं आ, है, आ पिस्टस जिनके अंदर विश्वास नहीं है दोज हु आर बींग लॉस्ट जो अंधकार में जा रहे हैं उनका ख्याल उनके मन उनकी बुद्धि उनके विचार उनकी इंटेलेक्ट उनकी रीजनिंग उनका रैशनल माइंड उनका कॉग्नेटिव फैसिलिटी को शैतान ने अंधेरे में डाला हुआ है हुँ? तो ये क्या करता है ये सत्य को रोकता है ये जो अंधेरे के ब्लाइंडर है ट्रूथ को सत्य को जिसे हम ग्रीक में एल्थिया कहते हैं और रोशनी को अंदर आने नहीं देते। रोशनी के लिए वर्ड है फोटोमसाज फोटोन फोटोमसाज या फोटोन जहां से फोटोन वर्ड निकलता है hmm? वो शैतान अंदर नहीं आने देता कहां पे इंटू यो दूसरा कुरिन्थियों चार अध्याय का छ वचन अगर आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो ये उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय के तीन वचन का वाक्य है प्रेत पलूस दूसरा क्रिंथियो चार अध्याय के छ वचन के साथ उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय के तीन वजन को जोड़ रहा है परमेश्वर ने कहा ज्योति अंधेरे में चमके अंधेरे के लिए यूनानी शब्द है लेकिन हिब्रू बहुत डीप है इबरानी शब्द है अंधेरा अंधेरा एक ऐसा अंधेरा जिसे आप फील करते हो देखते हो छू सकते हो महसूस कर सकते हो एक ऐसा गहन अंधेरा कहीं वो लाइट लाइट रोशनी चमके ना वर्ड है लैम्पॉस जहां से अंग्रेजी का शब्द निकलता है लैम्प और वो चमके ना वो वर्ड है फोटोमसास फ्लैश करना रोशनी लैम्पॉस की लाइट फ्लैश ना करे इसलिए शैतान ने क्या पकड़ा है अन्य जाति का माइंड नोएमा नोएमा को पकड़ा हुआ है हाल और वो परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को मनुष्य तक पहुंचने नहीं देता <coughs> और यहां पे लिखा इन द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट फेस के लिए हिब्रू सॉरी ग्रीक वर्ड है विसाज यीशु मसीह का विसाज चेहरा प्रकट ना हो इसलिए मनो को अंधेरे में शैतान ने डाला है हाल <coughs> <थालिलूया। coughs> तो ये जो मन है ये विश्वासी के भी अंधेरे में डाले जा सकते हैं इसीलिए रोमियो की पत्री बारह अध्याय के दो वचन में लिखा है आपको अपने मन को रोज नया करना है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा डेली अपने माइंड को रिन्यू करना है अब देखिए मैं आपको कुछ वचन देता हूं इन वचनों का ध्यान से अध्ययन कीजिए मैंने आपको बताया जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड पे पहला सेशन कर रहा था कि बदरुए एक तो पहले लेवल पे बदरुए ओप्रेस करती हैं दुष्ट आत्माएं बाहर होती हैं लेकिन आपके ऊपर असर डालती हैं अभी मीनू सूद जी कह रही हैं नो नेट इंटरनेट है या नहीं बताइए आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं मेरी आवाज आ रही है या नहीं आपको आवाज आ रही है यस यस हालेलुया यस प्रेज द नेम ऑफ़ द लॉर्ड थैंक यू जीज तो अब मैं आपको कुछ वचन देने जा रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया पहले बदरुहे ऑप्रेस करती हैं बाहर से वो बाहर होती हैं लेकिन आपके माइंड को आपके मन को सोचों को अटैक करती हैं बाहर से ऑप्रेस करती हैं ठीक है उसके बाद बदरू पोजेस करती हैं अंदर आ जाती हैं पोजेस कर लेती है और फाइनल जो स्टेज होती है ना बदरू की दुष्ट आत्मा की वो ऑब्सेशन होता ऑब्सेशन पूरी तरह ऑब्सेस कर लेती है जैसे वो गैडरीन में नंगा घूमने वाला मनुष्य था तो ये अलग अलग डायमेंशन हैं बद्रुओं की सुनिए आप बद्रु आपके जीवन पे उतना अधिकार पाती है जितना आप उसे देते हो और बद्रु अधिकार पाती है पाप के द्वारा जब आप दुष्ट आत्माओं के लिए द्वार खोलते हो अब मैं आपको कुछ वचन देने जा रहा हूं बहुत सारे लोगों का भ्रम है कि हमने तो नया जन्म पाया जी हमारे ऊपर तो यीशु मसीह का लहू लग गया है अब हमें शतान नहीं छू सकता यह धारणा गलत है ऐसा वचन के अंदर नहीं लिखा है आपको फूल प्रूफ गारंटी नहीं मिली है आपको ऐसी इम्यूनिटी नहीं मिली है कहीं भी वचन के अंदर तो वचन को समग्र दृष्टि से पूरे कलाम की एक बैलेंस डाइट आपको चाहिए ताकि आप वचन को सही ढंग से जानें। अब मैं आपको देना चाहता हूं पहला तिमोथियस तीन अध्याय मेरे संग वचन अध्ययन कीजिए निकालिए पहला तिमोथियस तीन अध्याय पहला तिमोथियस की पत्री उसका तीन अध्याय पहला तिमोथियस तीन अध्याय उसका आप पढ़ें छे और सात वचन पहलास तीन अध्याय छे और सात वचन सुने ध्यान से क्या कहता है प्रेत पुलुष प्रेरित पुलुष कहता है छ वचन में प्रेरित पुलुष यहां पे अगर आप पढ़ेंगे ना तीसरा अध्याय तो प्रेरित पुलुष बता रहा है कलिसिया के अगुए जब कलिसिया के ऊपर अगुओं को आपने ओडेन करना है अगुओं की स्थापना करना है परमेश्वर के काम के लिए अगुवा को चुनना है तो प्रेरित पुरुष क्या बता रहा है छठे वचन में ही मस्ट नॉट बी अ रीसेंट कन्वर्்ட் जिसे आप अगुवा बनाते हो पासवान बनाते हो या प्रेरित बनाते हो या सेवक बनाते हो कलीसिया के अंदर अधिकार देते हो जिसे वचन में लिखा है वो बंदा नया कन्वर्்ட் नहीं होना चाहिए एकदम नया, नया नया ना प्रभु में आया हो और उस नए-नए को आप एकदम उठा के कोई पदवी देके अगवा बना दे उसे लीडरशिप मत दीजिए क्यों पुरुष क्या कहता है और ही मे बी कंसीट एंड फॉल इन टू द कॉन्डमेशन ऑफ दे द डेवल कहीं ऐसा ना हो कि वो नया नया आए और आप उसे अगुवा बना दो और उसके अंदर अहंकार घमंड आ जाए और शैतान उसका सत्यानाश कर दे वो शैतान की कॉन्डम्बिनेशन में गिर जाए More, ये, ये कहता है प्रेत पुलु कि जो ये विश्वासी है जो नया नया आया है उसे आपने अगवा बनाया है तो प्रेत पुलुस क्या कहता है जो ग्रीक ओरिजिनल टेक्स्ट है प्रेत पुलुस कहता है ही विल बी जज्ड बाय सेटन ही विल बी ट्रैप्ड बर्वली डिग्रेडेड बाय सेटन वो जज किया जाएगा शैतान के द्वारा शैतान उसे ट्रैप में डालेगा जिन उसे शिकंजे में अपने फंसा लेगा अपने जाल में फंसा लेगा शैतान और डिग्रेड करेगा शैतान ये एक विश्वासी है नया जन्म पाया है पवित्र आत्मा से भरा है कलाम इसके अंदर रहता है लेकिन शतान इसे फंसा लेगा इसे इसका न्याय करेगा और शैतान इसे गिरा डालेगा यह प्रेरित पलूस लिख रहा है अब दूसरा तिबोथी में चले दूसरा तिमोथियत उसका दो अध्याय सेकंड तिमोथी चैप्टर नंबर टू दूसरा तिमोथियस दो अध्याय उसका चौबीस वचन से आपके लिए पढ़ता हूं दूसरा तिमोथियस दो अध्याय के चौबीस वचन से सुने एंड द लॉर्ड सर्वेंट मस्ट नॉट बी कॉल सम बट काइंड टू एवरी वन एबल टू टीच पेशेंटली एंडोरिंग ईवल करेक्टिंग हिज अपोनेंट विद जेंटलनेस गॉड मे रिपेंटेंस लीडिंग टू अ नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड दे दैट दे कम

गॉडली क्वालिटीज हैं तो ये लोगों को कैसे बचा लेगा छब्बीस सूचन में लिखा है द दे में कम टू देर सेंसेस उन्हें दे कम टू देयर सेंसेस उनके अंदर ज्योति चमकती है माइंड में और उन्हें रोशनी मिलती है एस्केप फ्रॉम द स्नेयर ऑफ द डेवल और शैतान के ट्रैप से बच जाएं शैतान के जाल से आफ्टर बींग कैप्चर्ड बाय हिम टू डू हिज विल शैतान पकड़ लेता है और अपनी मर्जी पूरी करवाता है विश्वासियों से यहां पे ग्रीक में क्या लिखा ट्रैप्ड एंड टेकन अलाइव वो ट्रैप में जाल में फंस गए और जिंदा पकड़ लिया शैतान ने उन्हें एज प्रिजनर वो उसके कैदी हैं उनको कैद में करता है शैतान ये विश्वासियों की बात हो रही है विश्वासियों को कैद में ले, ले लेता है शैतान विश्वासियों को जकड़ लेता अपने शिकंजे में हाली अब पढ़े एक वचन और लुका रची सुसमाचार उसका ग्यारह अध्याय में आए लुका ग्यारह हाल लुया सुसमाचार ग्यारह उसका मैं आपको देता हूं थर्टी सिक्स छत्तीस वचन लुका ग्यारह का छत्तीस पढ़े सुनिए यहां पे लिखा बट इफ योर होल बॉडी इज फुल ऑफ लाइट हैविंग नो पार्ट डार्क इट विल बी होली लाइट एज वेन अ लैम्प विद इट्स रे गिव्स यू लाइट अगर आप पढ़ेंगे यीशु मसीह की शिक्षा यहां पे तीस, तीस वचन से यीशु मसीह बता रहा है रोशनी के विषय में और अंधेरे के विषय में तो इन वचनों को ध्यान से अगर आप मिला के देखेंगे तो यीशु मसीह यह बता रहा है कि कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से ज्योति से भरे हैं कुछ लोग हैं जो पूरी तरह अंधेरे से भरे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ कुछ रोशनी है लेकिन कुछ कुछ अंधेरा भी है दोनों चीजें काम कर रही हैं वो शरीर की वासना में भी गिरते हैं और प्रभु के पीछे भी थोड़ा थोड़ा चलते हैं उनका जीवन पूर्ण रीति से प्रभु के हाथ में नहीं शैतान भी उनके जीवन में कार्यशील है जितना आप पाप में डूबेंगे उतनी ही बड़ी दुष्ट आत्माएं आपकी ओर आएंगी जितनी बदकारी करेंगे उतनी बड़ी बदरुए आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी दुष्ट आत्माएं पाप अधर्म की ओर अट्रैक्ट होती हैं उनकी ओर खिंची आती हैं हाँ तो क्या लिखता है यकूब अपनी पत्री में यकूब की पत्री उसका तीन अध्याय पढ़िए मेरे संग यकूब तीन अध्याय मैं कुछ वचन देता हूं आपको यकूब की पत्री तीन अध्याय पढ़िए तेरा वचन यकूब तीन तेरह से सुने क्या कह कहता है यकूब यहां पे हु इज वाइज एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग यू कौन है बुद्धिमान कौन समझ रखता है तुम्हारे में बाय हिज गुड कॉन्डक्ट लेट हिम शो हिज वर्क इन मीकनेस ऑफ विजडम उसे क्या करना चाहिए उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और दीनता बुद्धि की दीनता के द्वारा उसके अंदर अच्छे काम प्रकट होने चाहिए वो अपने कामों से दिखाए चौदह वचन पढ़े बट इफ यू हैव बिटर जेलसी एंड सेल्फिश एम्बीशन इन योर हार्ट डू नॉट बोस्ट एंड बी फॉल्स टू द ट्रूथ यह विश्वासियों की बात कर रहा है कि विश्वासी जो हैं, उनके अंदर कड़वाहट है जलन है और उनके अंदर स्वार्थी मकसद है उनके दिल भरे हुए हैं और वो घमंड करते हैं अहंकार करते हैं डींगे मारते हैं प्रभु कहता है वो सत्य के प्रति झूठे हैं तो क्या कहता है प्रभु का वचन दिस इज नॉट द विजडम दैट कम्स डाउन फ्रॉम अबाप दो तरह की बुद्धि की बात कर रहा है यकूब यकूब बता रहा है एक बुद्धि है अगर किसी को कमी हो पिता से मांगे यकूब की पत्नी पहले दया में। पिता सबको देगा फिर यकूब बताता है वो बुद्धि के फल क्या है जब आपके अंदर स्वर्गीय बुद्धि आएगी आप पवित्रता ही से भरेंगे आपका जीवन शुद्ध होगा आप सच्चाई और रोशनी के अंदर सकरे पथ पर चलेंगे सीधी चाल चलेंगे आप करुणा से दया से भलाई से और पेशेंस से सब्र से भर जाएंगे आपके जीवन को फल लगेंगे और आपका जीवन ज्योति से भरेगा लेकिन वही बुद्धि जो स्वर्ग से आई है अगर आप शरीर की वासना के काम करोगे पाप करोगे दुष्टात्माएं आपके जीवन की ओर आकर्षित होंगी दुष्ट आत्माओं की पावर है पाप अधर्म अधर्म से बदरुओं को दुष्ट आत्माओं को शक्ति और बल मिलता है सुन रहे हैं मेरी बात आप तो वो बदरुए और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन की ओर आकर्षित होंगी यह विश्वासियों की बात है विश्वासी जलन हसद अहंकार घमंड दिखावा व्यविचार इन चीजों से भर जाते हैं विश्वासी और फिर वो कहते हैं जी दुष्टात्माएं तो हमें छू नहीं सकती ये फूल प्रूफ ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई है कलाम में जब तक आप प्रभु के संग चलोगे प्रभु की आज्ञाओं में बने रहोगे रोशनी में चलोगे यीशु मसीह के लहू के साय के नीचे रहोगे प्रभु आपको बचा के रखेगा केवल प्रभु की हजूरी आपको बचा सकती है हाँ ये जो बुद्धि है यह संसारिक है This is the soulish wisdom. Jain says that once you can receive the wisdom from above, and that wisdom that God gives you from above is characterized by the good works that you will manifest. But eventually, if you do not walk in the ways of the Lord, that heavenly wisdom will get perverted and polluted and will become.

चैप्टर नंबर फोर वर्स नंबर ट्वेल्व फर्स्ट तिमथी चैप्टर नंबर फोर एंड वर्स नंबर ट्वेल्व फर्स्ट तिमथी फोर ट्वेल्व सुनिए क्या लिखा है एंड सो इनकर कॉन्डेमनेशन फॉर हैविंग अबेंडन देअर फॉर्मर फेथ क्या कहता पलूस यहां पर पलूस यहां पे बात कर रहा है विश्वासियों की जो विश्वास से गिर गए भटक गए और भरमाने वाली आत्माएं दुष्ट आत्माएं शैतानी आत्माएं उनकी आवाज को सुनने लगे और मैंने आपको बताया डॉक्टर ऑफ व्यूमन्स द डास्किया वो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं को सुनने लगे और वो परमेश्वर के आ, जो भेड़ों का झुंड है भेड़ों के झुंड में से शैतान उन्हें, उन्हें निकाल के ले गया दुष्ट आत्माएं उन्हें निकाल के ले गई प्रभु यहोवा के झुंड में से हालया तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे विश्वासियों को शैतान खींच के ले जाता है कैसे विश्वासियों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती हैं कैसे एक नया जन्म पाए विश्वासी के जीवन में बदलुए काम कर सकती हैं पांचवा मैं पॉइंट आपको देना चाहता हूं दूसरा कुरिंथियों दूसरा कुरिंथियों की पत्री निकाले दूसरा कुरिंथियों, सेकेंड कुरिंथियंस निकालिए दूसरा कुरिंथियों की पत्री और उसका आप सात वचन निकालें सात अध्याय सेकेंड कुरिंथियंस चैप्टर नंबर सेवन दूसरा क्रिंथियो सात अध्याय सुनिए उसके पहले वचन से दूसरा क्रिंथियो सात अध्याय का पहला वचन Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of the body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. क्या कह रहा है प्रभु का दास यहां पर प्रभु का दास परिस्त पुलुस कह रहा है क्योंकि हमें परमेश्वर ने इतने अद्भुत वादे दिए हैं इसलिए आओ हम अपने आप को धोएं हम धोएं अपने आप को फ्रॉम एवरी डिफाइलमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट फिलदी स्पिरिट लिखा यहां पर ओरिजिनल ग्रीक के अंदर ओरिजिनल ग्रीक टेक्स में वर्ड जो है मोलुसुमोस ग्रीक वर्ड है मोलुसुमोस जिसका मतलब है फिलदी स्पिरिट फिल दी स्पिरिट लेटस क्लेंज आवर सेल्स फ्राम द फिली स्पिरिट एंड ऑल डिफाइलमेंट ये फिलदी स्पिरिट क्या है मोलुसुमस है ये ग्रीक में मोलुसुमस फिलदी स्पिरिट यह नया जन्म पाए विश्वासी पवित्र आत्मा पाए विश्वासी उनको उनके अंदर यह मोलुसुमस आ सकती है फिल्दी स्पिरिट और उनको गंदा कर सकती है भ्रष्ट कर सकती है उन्हें पाप में गिरा सकती है उन्हें मसीह यीशु के झुंड में से निकाल सकती है लिखा यहाँ पे, वरना वचन में प्रेरित पलुस क्यों लिखे ये बात प्रेरित पलुस क्या कहता है दूसरा ग्रंथियों सात अध्याय के पहले वचन में सिंस वी हैव दीज प्रमिस हमें ये वादे दिए गए हैं बिलवेड लेट एस कलेंजर सेल्स फ्रॉम एवरी डिफाइलमेंट ऑफ द बॉडी एंड फ्रामस न्यूमा हाली लुआया अपने आप को गंदी आत्मा से यह गंदी आत्मा आ जाती है और जिसम की गंदगी शरीर के अंदर पाप की गंदगी लाता है शैतान और एक मलुसुमस न्यूमा है एक फिल्दी स्पिरिट है फिल्दी गंदी रूह विश्वासियों को पकड़ लेती है हाली लुया एक गंदी रूह है मलुसुमस न्यूमा जो विश्वासियों को पकड़ता है और पाप की ओर ले जाता है तो भाई और बहनों दुष्ट दुष्टात्माएं एक विश्वासी के जीवन पे अटैक करती हैं भ्रम में मत रहिए झूठी शिक्षा का शिकार मत बनिए ये मैं आपको सात अलग अलग रेफरेंसेस आठ रेफरेंसेस दे रहा हूं अलग अलग ताकि जाने ये बचन के अंदर की शिक्षा दे रहा हूं अब आप पढ़ें दूसरा क्रिंथियो उसका ग्यारह अध्याय दूसरा क्रंथियो ग्यारह अध्याय उसका आप पढ़ें चौथा वचन सुने यहां पे क्या लिख रहा है प्रेरित बलू दूसरा ग्रंथियो ग्यारह अध्याय उसका चौथा वचन सुने फॉर इफ कम्स एंड समोक्लेम्स अनादर जीजस देन वी प्रोक्लेम्ड इफ यू रिसीव ए डिफरेंट स्पिरिट फ्रॉम दी वन यू रिसीव्ड और यू एक्सेप्ट ए डिफरेंट गॉस्पल फ्रॉम वन यू एक्सेप्टेड एंड पुट अप विद इट रेडली प्रभु का दास क्या कह रहा है दूसरा 11 अध्याय के चार वचन में वो बता रहा है ये विश्वासियों के विषय में नया जन्म पाए यीशु मसीह के लहू से धुले विश्वासी इनको धोखा शैतान ने दिया शैतान ने इन्हें भरमाया इन्होंने क्या किया इन्होंने कोई और जीसस को ग्रहण किया है इन्होंने कोई और आत्मा पा लिया इन्होंने कोई और सुसमाचार ग्रहण कर लिया शैतान आया वो झूठा सुसमाचार लेके इनके पास आया इन्होंने उस झूठे सुसमाचार पे विश्वास किया और एक झूठा आत्मा इनके अंदर प्रवेश कर गया पवित्र आत्मा नहीं एक और आत्मा क्यों? क्योंकि इन्होंने और किसी और यीशु मसीह को ग्रहण किया है दूसरा कुरिन्थियों ग्यारह अध्याय का चार वचन पढ़ लीजिएगा फिर मैंने आपको बताया दूसरा ग्रंथियो चार अध्याय के तीन और चार वचन में कैसे शैतान अंधकार की शक्तियां मनुष्य के जीवन में काम करती हैं हाली किस रीति से काम करती हैं? हाल मैंने आपको स्पिरिट वर्ल्ड की सब बातें परमेश्वर के कलाम से खोल के बताई हैं आत्मा की दुनिया की गहरी बातें हाल स्पिरिट वर्ल्ड की रूहानी दुनिया की Hallelujah. अब मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल क्या सिखाती है मनुष्य के विषय में बाइबल बताती है पहला उसके पांच अध्याय के तेईस वचन में बाइबल बताती है कि मनुष्य एक आत्मा है मैन इज अ स्पिरिट लेकिन हमारी आत्मा पाप में परमेश्वर से अलग थी यीशु मसीह हमारी आत्मा को नया जन्म देते हैं हमारी आत्मा मनुष्य की इच्छा से लहू और मांस से पैदा नहीं होती हमारी आत्मा पैदा होती है परमेश्वर की इच्छा से और हमारी आत्मा में नया जीवन आता है ठीक है पहला स्लोनिकियो पांच के तेईस में मनुष्य के वजूद के तीन हिस्से दिखाए गए हैं स्पिरिट सोल एंड बॉडी स्पिरिट के लिए यूनानी वर्ड है न्यूमा सोल के लिए यूनानी शब्द है सुखे सुखोए और बॉडी के लिए वर्ड है सोमा या दूसरा वर्ड है सराक्ष तीन हिस्से हैं लेकिन मनुष्य एक आत्मा है हालेलुया सोल को सुखोए पहला तुण्कि दो अध्याय का तेईस वचन पढ़ लीजिएगा फिर बाइबल में एक शब्द आता है माइंड मन माइंड पहला तिमोथियस चार अध्याय का एक और दो वचन पढ़िएगा रोमियो सात का तेईस पढ़िएगा मन क्या है माइंड इसके लिए यूनानी शब्द है नूस 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 फिर चौथी चीज है मनुष्य के व्यक्तित्व में एक जिसे बाइबल कहती है कॉन्शियंस विवेक बाइबल में पांच तरह का विवेक है अलग अलग तरह का विवेक के लिए यूनानी भाषा का शब्द है दिसिस सुने दिसिस सुने डिस सुन रहे हैं आप सुने डिस लुआया और बाइबल में सोमा मैंने आपको बताया पांचवा जो कंपोनेंट है सोमा जिसे हम बॉडी कहते हैं हाली अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों दस अध्याय का बाईस वचन वहां पे एक विवेक के विषय में लिखा जो लहू से धुला हुआ विवेक है हाल लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में पुराने नियम में परमेश्वर ने केवल एक ही दर्शन दिया था जिसे हम बोलते हैं नफेश एंड शैम नफेश आपका अंदरूनी व्यक्तित्व है शैम आपका बाहरी व्यक्ति तब है, है। नफ़ेश जो है जब यहोवा ने जीवन का श्वास डाला तो वह नफेश बन गया मनुष्य निशेमा खयम डाला द ब्रेथ ऑफ लाइफ निशेमा खयम तो वो निफिश बन गया लिविंग बींग बन गया कौन आदम तो उसके दो हिस्से हैं नफिश जो आप असल में हो शेम जैसे लोग आपको देखते हैं प्रभु ने क्या कहा अपने दास सैमुअल से जब वो जस्सी के बेटों को राजा बनाना चाहता था तो सैमुअल कैसे देख रहा था बाहर से देख रहा था तो प्रभु यहोवा ने सैमूल से कहा जैसे मनुष्य देखता है यहोवा वैसे नहीं देखता क्योंकि मनुष्य तो केवल बाहर देखता है पर यहोवा अंदर देखता है हाले लुहिया और शेम यहोवा नफेश देखता है मनुष्य शेम देखता है हाल क्योंकि मनुष्य को नफेश दिखाई नहीं देता हाले थैंक यू जीसस मैं एक वचन पढ़ता हूँ आपके लिए पहला क्रिंथियों की पत्री उसका पंद्रह अध्याय और उसका आपके लिए पढ़ता हूँ सॉरी वो नहीं मैं पढ़ना चाहता तो तो सुनिए एक तो अंदरूनी मनुष्य है इनर मैन एक आउटर मैन है बाहरी मनुष्य तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा आपके न्यूमा में वास करता है न्यूमा का मतलब आत्मा आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा वास करता है तो प्रेरित की कलिसिया को लिखता है अब जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है तो ये नई सृष्टि कहाँ घटती है ये आत्मा में घटती है आप आत्मा में नई सृष्टि बन जाते हो हाला बिल्कुल ब्रांड न्यू कैनोस कैनोस्टिस ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब आपको परमेश्वर एकदम ब्रैंड न्यू बना देता है हालेलुया और आप केवल से चलने वाले व्यक्ति नहीं रहते फिर सेंसेस समझते हैं आप पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी सुनिए उसके लिए यूनानी शब्द क्या है ब्लिपो ब्लिपो यूनानी शब्द है जिसका मतलब है देखना देखना आंखों से ऑस्पिर दूसरा यूनानी शब्द है ऑस्पिर जिसका मतलब है सूंघना स्मेल करना तीसरा शब्द है गौमाय गौमाय जिसका मतलब है टेस्ट करना चौथा शब्द है सिलाफो जिसका मतलब है सिलाफो का मतलब है फीलिंग एहसास और पांचवा शब्द है अकू जिसका मतलब है सुनना इरिंग हाल तो जो इन पांच ज्ञान इंद्रियों में बिलिपो ऑस्पेरिस गौमाय सलीफो और अकाओ इन पांचों के अंदर रहते हैं वो सेंचुअल व्यक्ति हैं कार्नल है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ पाएंगे हाल लु हाल तो भाई और बहनों हाल मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताता हूं जो मैं फर्स्ट डे आपको टीचिंग दे रहा था पहले दिन वो परीक्षा कर रहे थे अरे भैया लेवी व्यवस्था बीस अध्याय के सत्ताईस वचन में मैंने आपको बताया एक ऊब का रू है ऊब उसे हिब्रू ही, में ऊब का रू लिबिटिकस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन इसका क्या आइडिया अगर आप इटमोलोजिकल स्टडी करेंगे इट मींस टू मंबल द आइडिया ऑफ राइटिंग द नेम ऑफ अ फादर अ वाटर स्किन वाटर स्किन समझते हैं ऊब का मतलब क्या है एक एक इंडियन मूवी थी उसके अंदर यह कॉन्सेप्ट दिखाया गया था वो मूवी थी आ, उसका छोटा सा हिस्सा मैंने देखा था उसके अंदर अमिताभ बच्चन को एक कॉन्जुरर दिखाया था कॉन्जुरर कॉन्जुर करने वाला मूवी का नाम था शायद पहेली उसके अंदर वो आत्मा को एक वाटर स्किन के अंदर डालता है पुरानी वाटर स्किन वो आइडिया इन्होंने एंशंट आइडिया लिया है प्राचीन काल का आइडिया वाटर स्किन के अंदर जिस बद्रू को डाला जाता है और वो बीच में से मंबल करती है वो आत्मा नेक्रोमेंसर जो नेक्रोमेंसी करते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट जिसे हम बोलते हैं वेंट्रिलोक्विस्ट वो जार में से या अन्न में से या वाटर स्किन में से बदरुए निकालते हैं बॉटल के अंदर दुष्ट आत्माएं रखते हैं और ये दुष्ट आत्माएं होती हैं फेमिलियर स्पिरिट ये बोलती हैं भावी करती हैं और ये दुष्ट आत्माएं बातें बताती हैं वेंट्रिलोक्विस्ट और नेक्रोमेंसर इन्हें यूज करते हैं बाइबल में एक शब्द है हिब्रू में वो शब्द है 2450 ट्वेंटी फोर फिफ्टी एच ट्वेंटी फोर है वो है खमक 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 क्या है ये है इंटेलिजेंट स्किलफुल आर्टफुल ये खमक है कौन ये वाइजमैन है ये वाइजमैन नेसेसरली स्पिरिट फिल्ड नहीं है ये वाइजमैन है संसार के जो प्राचीन वाइजमैन है जो जादूगरी का सहारा लेते हैं खमक इन्हें कहा जाता है फिर दूसरा वर्ड है बाइबल में एक एच थ्री सेवन एट फोर यह है खशाफ हिब्रू वर्ड है खशाफ ये कौन है ये ये है खशाफ का मतलब है टू विस्फर ए स्पेल टू डू इनकंटेशन टू चांट टू का टू कॉज ए मैजिक स्पेल ये सॉर्सरर हैं खशाफ जो है सॉर्सरर जादूगर जो मंबल करके बोल के धीरे धीरे कास्ट करते हैं स्पेल को जादू करते हैं तीसरा वर्ड है हिब्रू में एच टू सेवन फोर एट और यह वर्ड है खारथोम खारथोम खारटोम कौन है जो होरोस्कोप बनाते हैं जो मैजिकल चार्ट बनाते हैं जो टेरट कार्ड रीड करते हैं मेडिकल मैपिंग uh, uh, जो मैजिकल uh, मैपिंग करते हैं इन्हें बाइबल में खाल्टोम कहा गया है एच टू सेवन फोर एट फिर बाइबल के अंदर कुछ मैं आपको हवाले भी मैं वचन भी कुछ आपको पढ़ाऊंगा बाइबल के अंदर हिब्रू वर्ड है सेवन जीरो एट जीरो सेवन जीरो एट जीरो हिब्रू वर्ड है खसम 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 जिसका मतलब जिनके पास जादू का स्क्रोल है जादू की किताब है वो लॉट डालते हैं लॉट के द्वारा जादूगरी करते हैं यह हिब्रू वर्ड है 7087, खसम खसम फिर 7080 है फिर 7081 जीरो वर्ड है जो इसी के संग जुड़ा हुआ है यह खसम, वो कैसेम है जिसका मतलब है डिविनेशन करना डिविनेशन टूना करना जादूगरी करना विचक्राफ्ट करना फिर हिब्रू में एक वर्ड है एच सिक्स जीरो फोर नाइन वो हिब्रू वर्ड है अनान 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 कौन है जो भविष्य की बातें देखता है और जादूगरी करता है जो दुष्ट आत्माओं को सम्मन करता है बदरुओं से डार्क किंगडम की बातें पूछता है और लोगों को बताता है अनान एंटांटर मियोनिमिन सॉर्सरर और यहीं से इसी के संग वर्ड जुड़ा है नखाश खशाफ के साथ नखाश आपको मालूम कौन है नखाश है वो सांप जो उदन के भाग में गया है और नखाश जो वर्ड है वो वर्ब के तौर पे भी यूज हुआ है हिब्रू में नाउन भी यूज हुआ है और उसके तीन मीनिंग है नखाश का मतलब एक तो है सरपेंट सांप नखाश का दूसरा मतलब है नखाश का दूसरा मतलब है शाइनिंग वन चमकने वाला और नकाश का तीसरा मतलब है एनचांटर जादू करने वाला मोहित करने वाला मुग्ध करने वाला मैस्मराइजर वो है शतान शतान का मतलब वहां पे शतान वर्ड नहीं है हिब्रू वर्ड है नखाश फिर बाइबल में एक और वर्ड है एच टू टू सिक्स सेवन मैं जितने आपको शब्द मिलेंगे जादूगरी टूना से कनेक्टेड पूरी ओल्ड टेस्टमेंट के और न्यू टेस्टमेंट के मैं सारे आपको दे रहा हूं ओल्ड टेस्टमेंट में फिर जो एक शब्द है वो है एच टू टू सिक्स सेवन जो असली हिब्रू शब्द है ख़बर ख़बर हशिफ ख़बर जिसका मतलब एनचान्ट करने वाला इल्यूजन कास्ट कर देते हैं वो आपकी बुद्धि काम नहीं करती आपका विवेक काम नहीं करता आपका रैशनल माइंड काम नहीं करता आप स्पेल के नीचे आ जाते हो ये हैं स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर काम करने वाली रूहें, जिनके विषय में बाइबल के अंदर लिखा है और मैं आपको कुछ वचन देना चाहता हूं जल्दी जल्दी से आपने वचन पढ़ने हैं जिरमिया नबी की किताब सत्ताईस अध्याय का नौ वचन मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ये वचन आपके लिए जिरमिया ट्वेंटी सेवन और वचन नंबर नाइन सुनिए क्या लिखा है जिरमिया ट्वेंटी सेवन नाइन क्या कहता प्रभु सो डू नॉट लिसन टू योर प्रॉफिट और डिवाइनर योर ड्रीमर योर ड्रीमर योर फॉर्च्यून टेलर और योर सोर्सर हु आर सेंग टू यू क्या कहता प्रभु प्रभु जिरमिया सत्ताईस के नौ में क्या कहता है डो नॉट लिसन टू योर प्रॉफिट अपने नबियों की मत सुनना डिवाइनर की जादू करने वाले दर्शन देखने वाले या भविष्य बताने वाले या टूना करने वाले ये इनके संग नबियों को जोड़ा ये होगा नहीं और ये सारे वर्ड जो मैंने आपको दिए हैं खमक खशाफोम खसम किसम अनान और ख़बर ये सारे वर्ड जर्मिया यूज़ कर रहा है यहाँ पर यह नबी भी ऐसे हैं जो टूना करते हैं उनकी मत सुनो यह होगा परमेश्वर कह रहा है अब एक वचन पढ़ें जल्दी से निकालिए दानियल नबी की किताब दानियल नबी की पुस्तक उसका एक अध्याय दानियल एक अध्याय दानियल एक अध्याय और उसका बीस वचन एंड इन एवरी मैटर ऑफ विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग

यशाया फोटी सेवन वर्स नंबर नाइन एंड दीज टू थिंग्स शैल कम टू यू इन अ मोमेंट इन वन डे द लॉस ऑफ चिल्ड्रन एंड विडोहुड शैल कम अपॉन यू इन फुल मेजर इन स्पाइट ऑफ योर मैनी सॉर्सरीज एंड ग्रेट पावर ऑफ योर एन्चांटमेंट जादूगरियाँ भी की हैं टूना भी किया है इसके बावजूद भी ये विपत्तियाँ तेरे ऊपर आएंगी परमेश्वर का कलाम बोल रहा है यशाया फोर्टी सेवन नाइन में और बारह वचन स्टैंड फास्ट इन योर एन्चांटमेंट and in your many sorceries with which you have labored from your youth, perhaps you may be able to succeed, perhaps you may inspire terror. प्रभु उन्हीं चीजों की बात कर रहा है जादूगरी, सर्चरी वही शब्द जो मैंने आपको अभी दिए हैं शब्द अलग-अलग। ड्यूट्रोनमी -अलग। में चलें व्यवस्था विवरण। ड्यूट्रोनमी उसका 18 चैप्टर में आइए व्यवस्था विवरण का 18 अध्याय उसका 10 वचन आपको दिखाऊं पढ़ें। वर्स नंबर 10 क्या लिखा प्रभु ने आप देर शैल नॉट बी फाउंड अमंग यू एनी वन बर्न इज सन और इज ऑफरिंग ये है भाई और बहनों मोलक को अपने बच्चे देना पासिंग योर चिल्ड्रन थ्रू द फायर इट इज एक्चुअली पासिंग योर चिल्ड्रन टू द इन टू द अदर वर्ल्ड दूसरी दुनिया में भेजना बर्न इज सन और इज डॉटर एज एन ऑफरिंग एनी वन हु प्रैक्टिस इज डिविनेशन टेल्स फॉर्चून और इंटरप्रेट ओम चार मीडियम मैक्रोमे डेट ये हिब्रू वर्ड मैंने आपको दिए खमक खशा खर खसम अनाम खिबर ये हिब्रू वर्ड है जो यहां पर यूज हुए हैं व्यवस्था विवरण अठारह अध्याय का दस वचन हाल है लेवी व्यवस्था उन्नीस का छब्बीस तो मैंने आपको दे दिया है उसके अंदर वर्ड है ऊब लेवी व्यवस्था उन्नीस का छब्बीस और 27 में ऊब का रू है ऊब की आत्मा जिसके विषय में मैंने आपको बताया वाटर स्किन में उसको डाल लेते हैं कैद करते हैं दूसरा इतिहास में से एक वचन देता हूं आपको उसका अध्याय सेकेंड क्रॉनिकल्स चैप्टर दूसरा इतिहास 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 दूसरा दूसरा का का सुने क्या लिखा यहां पे? दूसरा He burned his son as an offering. ये मनस्से की बात हो रही है उसने अपने बेटों को ऑफरिंग चढ़ा दिया मोलक देवता को जिंदा जला दिया इन वैली ऑफ सन ऑफ इनोम यूज फॉर्चून टेलिंग ओमन सोसरी एंड डेल्ट विद मीडियम एंड विद नेक्रोमेंसर, ही डिड मच यूल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड प्रोवोकिंग हिम टू एंगर ये सारे काम किए जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए हैं स्पिरिट वर्ल्ड के गंदे और घिनौने काम इस राजा ने किए दूसरा राजा सत्रह अध्याय का सात सत्रह वचन आपने पढ़ना है दूसरा राजा इक्कीस अध्याय का छः वचन आपने पढ़ना है ये खुद पढ़ने आपने नोट करते जाइए दूसरा राजा सत्रह का सत्रह दूसरा राजा इक्कीस का छ निर्गमन सात का ग्यारह और बाईस और निर्गमन आठ का सात और अठारह ये वचन आपने पढ़ने हैं इनके अंदर ये सभी शब्द जिनके विषय में मैंने आपको वचन दिया ये सब मिलेंगे और आप पढ़िएगा एक्सोडस निर्गमन ट्वेंटी टू एटीन फिर आप पढ़िएगा सेकंड सैमुअल फिफ्टीन थर्ट ट्वेंटी थ्री दूसरा सैमुअल पंद्रह का तेईस लिखते जाइए दूसरा सेमुअल पंद्रह का तेईस ये पढ़ने हैं आपने अभी दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स थर्टी सिक्स थर्टी थ्री सिक्स दूसरा इतिहास तेतीस का दूसरा इतिहास तेतीस का छः और दूसरा सेमुअल पंद्रह का तेईस ये आपने पढ़ने हैं और आपने क्या कौन सा वचन पढ़ना है लिखते जाइए दूसरा राजा नौ का बाईस दूसरा राजा नौ अध्याय का बाईस वचन फिर आपने पढ़ना है मीका नबी उसका पांच अध्याय का बारह वचन मीका नबी पांच अध्याय उसका बारह वचन माइका चैप्टर फाइव वर्स नंबर ट्वेल्व देन यू रीड नेमाया चैप्टर थ्री एंड वर्स नंबर फोर मलकीयत जी ने अभी सेकेंड सैमुअल फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री लिखा है इसके बाद मल्कीत जी लिखी है सेकेंड क्रॉनिकल्स ट्वेंटी थ्री सिक्स दूसरा इतिहास तैतीस का छह लिखें जल्दी सेकंड क्रॉनिकल्स ट्वेंटी थर्टी थ्री सिक्स लिखे सेकेंड क्रॉनिकल्स थर्टी थ्री सिक्स प्लीज कोई और भी लिखते जाएं बीच में से ताकि ये वचन सबको मिले हाल माइका मीका पांच का बारह नेमाया तीन का चार ये सब वचन आप लिखिएगा हाल तो भाई और बहनों आज मैंने आपको प्रभु के वचन में से ये बताया कि ये बदलुए ये दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन पे असर डालती हैं अगर एक विश्वासी दुष्ट आत्माओं के लिए डोर खोलेगा अपने जीवन में तो दुष्ट आत्माएं उसके जीवन में काम करेंगी हंड्रेड परसेंट और मैंने आपको बताया न्यू टेस्टामेंट में अलग अलग स्पिरिट्स ग्रीक में और ओल्ड टेस्टामेंट में अगर आपको याद हो कल मैंने आपसे बात की पुथोन न्यूमा पिथोन की आत्मा यह गला घोट देती है लोगों का पाइथन स्पिरिट ऑफ पाइथन यह प्रार्थना भी नहीं करने देती ये आत्मा थी प्रेरितों के काम सोलह सोलह में उस लड़की के अंदर पिथौन न्यूमा फिर मैंने आपसे बात की लिलीथ आइजाया जाया थर्टी फोर फोर्टीन उसके अंदर थर्टी फोर फोर्टीन के अंदर सात अलग अलग गंदी आत्माएं हैं लेकिन उनमें एक है लिलित करू फिर मैंने आपसे बात की न्यूमा दुनिया की आत्मा संसार की आत्मा स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड ये संसार की रू उसे न्यूमा कहा गया है न्यूमा कॉस्मोस या कॉस्मोस न्यूमा ये वो आत्मा है जो विश्वासियों को ये सिखाती है संसार की चीजों को इकट्ठा करो दुनिया भर की मटेरियल चीजों को इकट्ठा करो जब सब मटेरियल चीजें आपके पास होंगी फिर आप बोलना आई एम सुपर ब्लेस्ड फिर आप बोला कि मैं रियली ब्लेस्ड हूं यह हुआ मेरे साथ है कितनी बड़ी डिसेप्टिव टीचिंग है ये ये है न्यूमा संसार का रूह है ये भाई और बहनों इसके विषय में पहला क्रंथियों दो की बारह में लिखा है प्रेत पुलुष कहता हमें ये रूह नहीं मिला हमें तो यह का रूह मिला है कॉस्मोस न्यूमा नहीं मिला हमें मिला है हाजिया न्यूमा पवित्र आत्मा मिला है हाजिया न्यूमा पवित्र आत्मा फिर मैंने आपको बताया फेंटमोस फैंटम जहां से निकलता वर्ल्ड यीशु मसीह को जब मत्ती 24 की छब चौदह की छब्बीस में और मरकुस 6 की 49 में पानी पे चलते देखा तो चेले डर गए क्राइड क्रेजो ग्रीक वर्ड क्रेजो फियर के संग डर गए वो मरीन स्पिरिट समझते थे कि समुद्रों के ऊपर मरीन स्पिरिट्स होती हैं और वहां पे उन्होंने वर्ड यूज किया फैंटम हॉस फैंटम फिर मैंने आपको बताया कल कि अन की रूह होती है कमजोरी का आत्मा यीशु मसीह एक सिनेगॉग में गए लूका 13 की 12 में वहां पे एक औरत है जो कुबड़ी हो गई है कुबड़ी बाउ डाउन टुगेदर लिखा है सन क्रिप्टोग्रीक वर्सन क्रिप्टो शी बेंट डाउन क्या है उसको फीबलनेस है कमजोरी है आर्थराइटिस क्रिप क्रिपसोसिस सोक्लोसिस मेंटल इलनेस है और उस डॉक्टर उसके लिए कुछ नहीं कर सके उस औरत के अंदर है एस्थनीलिया न्यूमा एस्थनीलिया इन्फर्मिटी का रूह है न्यूमा एस्थनीलिया कमजोरी का आत्मा यह न्यूमा एस्थनीलिया जो है इनफर्मिटी है यह बहुत सारे विश्वासियों को चिपकी हुई है यह रू ये औरत सालों साल हैकल के अंदर है एटीन इयर्स लिखा है लेकिन यह रू निकली नहीं तो ये मसीह ये बदरू निकालते हैं औरत चंगी हो जाती है हाल तो भाई और बहनों ये जो वचन मैंने आपको दिए इन पे अध्ययन कीजिएगा मनन कीजिए स्पिरिट वर्ल्ड की सारी टीचिंग के ऊपर हाली लुया खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ भाई ललित मेहरा को आप आशीषित करना अपना हाथ इस भाई के जीवन पे बढ़ाना दिल्ली में जो सभाएं मीटिंग हम करने जा रहे हैं उनके ऊपर आपकी आशीष का हाथ मांगते हैं खुदावंद प्रभु भाई मलकियत गिल पर आपकी आशीष हो भाई रमन खान पे उनके घराने पे आपकी आशीष हो जसवंत सिंह पे आपकी आशीष हो पूजा बिष्ट को आपके लहू में छिपाते हैं रॉबी जॉन को आपके लहू में छिपाते हैं जसवीर सुरिंदर को आपके लहू में छिपाते हैं खुदावन लॉर्ड आई प्रे फॉर सेबर जगर आई कवर सेबरॉन जगर इन द ब्लड ऑफ द लॉर्ड जीजस ऑफ हजरत i speak blessing over chandra mohan and his household. speak blessing over Amandeep kaur and her family. lord, i speak blessing in the name of yehusha HaMashiach over diana christie. bless her, bless her household. bless Anusud and her household, i pray. lord, i pray for manjit masi. let your hand be upon him. i pray for daisy v.s. lord, I, I, I pray for rina kumari that your hand will be Come, come upon her and you will change her life, Lord Jesus. And Lord, I pray for Sahil from Pakistan. Bless him. I pray for Amarjit Kaur and her family. I pray for Mr. Vinod Christian, Vinodini Christian from Canada. Bless them, Lord. Lalita Rasman, I pray for her. I cover her under your blood, Jesus of Nazareth. I pray for uh, sohota family i plead your blood over them in the name of jesus i pray for minusud cover minusud under your blood lord jesus bless brother mangal thapa shanti thapa and bless their

Chopra and Hitesh Chopra from Australia. I cover them under your blood, Lord. I pray for Ajay Kaleer. Let your hand be upon brother Ajay Kaleer in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Bless Puja Bisht, Lord. Hallelujah. Lord, I pray for all those friends and partners in Delhi. Cover them all under the blood of the Lamb, Lord. Bless Manisha Singhi. Bless her family. Bless her husband. Hallelujah. खुदावंद जितने तेरे लोग इस समय ऑनलाइन मैं एक एक को तेरे लहू के साय के नीचे लाता हूँ तेरे खून की बरकत खोलता हूँ खुदावंद तेरे सच्चे कलाम का प्रकाश तेरे वचन की गहराई में हमें आप लेके चले पुष्पा रानी पे आपका लहू छिड़कते पुष्पा रानी को छू लीजिए खुदावंद आज के दिन में प्रार्थना करने में आपकी हजूरी में हमें बनने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा प्रभु दया कीजिएगा प्रभु हाल आपका धन्यवाद हो धन्यवाद एक बार फिर से प्रभु हम आने वाली दिल्ली की सभाएं आपके हाथ में देते हैं अपने जलाल को आप प्रकट करना डेली में खुदावंद बहुत सी आत्माएं हैं खुदावंद वहां पे जो आपको ढूंढ रही हैं प्रभु जी आपके राज्य को ढूंढ रही हैं वो नहीं जानती हैं आपको प्रभु प्रभु हमें उन तक लेके चलिए यीशु मसीह और उन्हें अपने चरणों में लाइए यीशु मसीह आपके जलाली नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं आमीन लॉर्ड ब्लेस तारा बंसल टू। टू बहादुर सिंह लॉर्ड। प्रद्रे फो सुजल मसीह तेरे जलाली नाम में आमीन सबको जय मसीह की लॉर्ड अजय कलेर जी जय मसीह की सबको विनीता चोपड़ा जी जय मसीकीमेनुअल सोहता जी पूजा बिश जी जय मसी की अनुसूद जी जय की मनजीत मसीह जी ब्रदर साहिल गौरी फ्रॉम पाकिस्तान जय की अमनदीप कौर जी जय की जसवीर सुरिंदर अमरजीत कौर जय यीशु मसीकी हाल हालेलुया मनीषा सिंगी जी जय की गीता बहन जय की शांति थापा जय यशो की मलकीयत गिल जी जय यशो मसीकीी हाल लोईया चंद्र मोहन जी जय मसी की तनुजा सेठ जी जय मसी की वनीता चोपड़ा जय यीशु मसी की विनोदनी कृष्ण एंड विनोद कृष्ण जय यशु मसीह प्रभु सब आप सबको बरकत दे हाली लुया मैं आज दिन में फिर इलेवन ओ क्लॉक ऑनलाइन आऊंगा प्लीज इलेवन ओ क्लॉक आप जुड़ जाइएगा खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आरोही अरुषि बंसल के लिए आप अपने लहू में आरोही अरुषि बंसल को छिपाइए खुदावंद हालि ग्यारह बजे हम फिर जुड़ेंगे प्रार्थना करेंगे तो प्लीज़ आप ग्यारह बजे ऑनलाइन आ जाइएगा और प्रार्थना कीजिएगा मुझे डेली भी जाना है बस एक दो दिन में उन सभी बातों को प्रभु के चरणों में दीजिएगा और उसके बाद कुछ सभाएं हैं पास्टर्स लोगों के बीच में कुछ झुग्गी झोपड़ी में करेंगे मीटिंग्स और बच्चों की रिट्रीट करेंगे और हम विधवाओं के लिए जो काम करना चाह रहे हैं उसे कंटिन्यू करेंगे उनको ब्लैंकेट्स और क्विल्ट गर्म कपड़े कुछ बच्चों के लिए काम हम उसे कंटिन्यू करेंगे तो उन सब बातों के लिए प्रार्थना कीजिएगा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे जय की जय ईश्वर मसीह की